तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ बिना कोई सस्पेंस क्रिएट करे कि आई वॉज़ इन्वाइटेड फॉर अन अकेडमीज़ इवेंट जो कि 20 तारीख को दिल्ली में था। तो उसी के लिए कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो लखनऊ एयरपोर्ट पर मैं पहुँच चुकी थी और 11 बजे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं समय से काफ़ी पहले ही पहुँच जाती हूँ, 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच जाती हूँ। तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो 11 बजे की थी। अन अकेडमी का ये इवेंट था। बाय द वे दिस होल ट्रिप वॉज स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी, एवरी थिंग वॉज टेकन केयर बाय अन अकेडमी इट सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी थी दिल्ली के लिए और जो इवेंट था वो शाम के 6 बजे था और मेरी जो फ़्लाइट थी वो आई थिंक दिल्ली में 12-12:30 बजे लैंड होनी थी। तो मेरे पास काफ़ी समय था बीच में रेस्ट करने के लिए, खाना खाने के लिए, अच्छे से तैयार होने के लिए एंड एवरीथिंग। एनीवेज़, बाय द वे, ये इवेंट वगैरह में जब बुलाया जाता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अन अकेडमी का एक और इवेंट हुआ था बैंगलोर में ऑन 21 जनवरी इसी साल, 2-3 महीने पहले, उसमें भी आई इवेंट, बट इतना ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो ये वाला जो इवेंट था इसमें मैंने पूरा शूट किया है। बाय द वे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आए हुए थे, जैसे महात्मा जी टेक्निकल सर, तो बहुत सारे लोगों से यहाँ पे मिले, इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे उनसे भी यहाँ पे मिले, हर एज ग्रुप के सबको ही। मैं आपको बता दूँ कि एक क्रिएटर थी, शी वॉज़ वेरी फेमस और वो कुछ 8 या 9 साल की थी, तो वो भी आए हुए थे। काफ़ी अच्छा लगा था, ऐसे जो इवेंट होते हैं उनमें मौका मिलता है नेटवर्किंग का और यू नो अदर यूट्यूबर्स से मिलने का। बाय द वे, आई लिव इन लखनऊ, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं रहते, ज़्यादातर सब लोग दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई ऐसी जगह पे रहते हैं, नोएडा, गुड़गांव, तो मेरे को तो इतना मौका मिल ही नहीं पाता है। बाय द वे, यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअली आता है तो फिर मैं मिल लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं मिलना हो पाता है। तो ये इवेंट जो है परफेक्ट प्लेस होते हैं अपना नेटवर्किंग करने का और लोगों से मिलने का एंड एवरी थिंग। यहाँ पे फ़्लाइट में बस बैठ चुके थे और 1 ही घंटे की फ़्लाइट होती है लखनऊ से दिल्ली, तो ज़्यादा उतना समय पता नहीं चलता है और उतनी थकान भी मुझे हुई नहीं थी ऑनेस्टली, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट थी। तो बस यहाँ पे हम लैंड करने वाले थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो आई हैव फाइनली लैंडेड इन दिल्ली और अभी भी मुझे व्लॉग करने में पब्लिक प्लेसेस पे बड़ा ही अजीब सा लगता है, आदत नहीं है ना, बंद कमरे में बैठ के वीडियो बनाने की आदत है। तो अभी मैं लैंड कर चुकी हूँ एंड अभी बस बैग लेके हम जाएंगे बैग लेके और हमारा जो अरे मेरा बैग है क्या, ये पहचान नहीं आ रहा। तो अब मैंने अपना बैग ले लिया है और अब चलते हैं एग्ज़िट डोर की तरफ और कैब पहले से ही बुक है तो बस मैं जा रही हूँ जल्दी से। और 6 बजे से है इवेंट और रात के शायद 10-11 बजे तक चलेगा। तो यहाँ पे एयरपोर्ट से निकल के हम पहुँच गए थे होटल सम्राट। होटल सम्राट में ही हमारा स्टे था, बहुत ही अच्छा होटल था। आप लोग देख सकते हैं बाहर से ही कि थोड़ा सा जो पैलेस टाइप के नहीं होते हैं होटल, वैसा होटल था ये। यहीं पे मेरा स्टे था और जो इवेंट था वो था ताज पैलेस में, यानी कि दिल्ली का जो ताज होटल है उसमें था शाम को, जो कि यहाँ होटल सम्राट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। बाय द वे, ये जो होटल सम्राट था ये था चाणक्यपुरी दिल्ली में और ये जो है एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात थी। फाइनली हम इस होटल में पहुँच गए थे, काफ़ी अच्छा ये होटल था। आप लोग आगे इस होटल का पूरा वीडियोज़ ज़रूर देखिए। अभी पहुंच चुके हैं होटल के रूम में एंड दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक, दिस इज हाउ इट इज, हाउ ब्यूटिफुल इज दैट ना। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा है, दिस इज होटल सम्राट जो कि काफ़ी अच्छा होटल है, इट्स अ 5-स्टार। अभी तो बाहर काफ़ी धूप हो रही है तो मेरा खाना आ चुका है और मैंने ऑर्डर करी थी
वेज बिरयानी। और मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से खाने जा रही हूँ और खाते वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो मिलते हैं बाद में। तो फिर मैं यहाँ पे होटल से निकल गई थी इवेंट के लिए। इवेंट वैसे 6 बजे से था, लेकिन मैं यहाँ पे शायद 6:05 पे या 6:10 पे निकली थी। और पास ही में था ताज होटल, तो हम वहाँ पहुँच गए थे इवेंट के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था ये मेरे होटल से, आई थिंक सिर्फ 10 मिनट की दूरी थी। ठीक है, तो मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और थोड़ा सा समय लगा मुझे ढूंढने के लिए कि कहाँ पे था। एक्चुअली ताज होटल का एक पोर्शन है स्पाइसी डक करके, तो वो इवेंट वहाँ पे था। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जा रही थी इवेंट अटेंड करने के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। इवेंट भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, हालांकि टाइमिंग तो एग्जैक्ट 6 बजे की थी, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग और जो इवेंट था वो काफ़ी लेट में स्टार्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यहाँ पर आए थे, जिनकी पिक मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही लगा दी थी। वीडियो वगैरह मैंने उनके साथ या किसी के साथ नहीं बनाई, ना ही तो रिकॉर्ड किया, क्योंकि आप सबको पता है कि आई एम वेरी शाई। मैंने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स से कनेक्ट किया, बातें करी, बट मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स या फिर उनके साथ वीडियो तो दूर की बात है, बट मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स एंड एवरीथिंग भी नहीं खिंचाई, क्योंकि आप लोग को पता है कि हाउ शाय आया। तो यही बात है। बाकी मैं यहाँ पर जाने के लिए अपने कैब का वेट कर रही थी। दोबारा से मैं ये बाहर निकल आई थी इवेंट से, और 10:30 के करीब हमारे कैब वाले भैया आ गए थे, 5 मिनट में ही आ गए थे, पास ही में थे। तो मैं यहाँ से वापस निकल चुकी थी, इवेंट ख़त्म नहीं हुआ था, चल रहा था, बट मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैं यहाँ पे 10:30 वापस निकल चुकी थी होटल के लिए। इवेंट तो आई थिंक 11:30 तक चला था, लेकिन मैं जल्दी वापस आ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट भी थी और आज भी फ़्लाइट का सफ़र रहा था पूरे दिन, तो मैं काफ़ी थक गई थी, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई थी। बहुत सारे लोग बहुत बात तक रुके थे, लेकिन आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जो कि बहुत जल्दी आ गई थी। खाना पीना खा के मैं इतनी देर तक रुकी नहीं थी, मैंने अपनी फ़ोटोज़ एंड ऑल क्लिक करी, उसके बाद देन आई वेंट बैक टू दी होटल। होटल में आके मैंने शायद एक दो वीडियोस शूट करी थी, और ये है अगली सुबह का वीडियो जब मैं कैब वाले भैया का वेट कर रही थी एयरपोर्ट जाने के लिए, और भैया अपने टाइम पर आ चुके थे और मैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। तो अब मैं जा रही हूँ वापस लखनऊ, और मेरी जो फ़्लाइट है वो 1:40 की है। तो मैं एयरपोर्ट आ गई थी काफ़ी जल्दी, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है बड़ी हड़बड़ी सी होने लगती है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जाना और जल्दी पहुँचना बेटर है, रादर देन लेट पहुँचो फिर हड़बड़ी मचाओ। तो अब जा रहे हैं वापस, और रात में मैंने व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करा है, थोड़ा बहुत शूट करा है, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। बाय द वे द इवेंट वॉज वेरी गुड, और वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिले, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वहाँ पे थे, और आई फील गुड कि आई एम इन्वाइटेड ऐसे लोगों के बीच में, एंड या आई एम हैप्पी। जा रहे घर, और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है घर से बाहर रह के, क्योंकि यूट्यूब चैनल कुछ ऐसा होता है कि उसमें घर से बाहर जाना हो ही नहीं पाता है। और चलो इवेंट के ही बहाने या कुछ कहीं पे भी कुछ भी होता है, काम के ही बहाने थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो या